लिया है और भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए कभी नेताओं की कमी नहीं दिखाई पड़ती। कोई भी कालखंड हो, कितने भी चुनाव हारे, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं। हर पार्टी चुनाव के बाद हारने के बाद टूटती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव ज्यादा हारी है, कम जीती है। जितना तो हमारा अभी अभी शुरू हुआ 98 के बाद, हम तो पहले हमारी जमानत जब्त न हो तो भी पार्टी दे देते थे कि चलो भैया जमानत बच गई है, पार्टी का पार्टी तो बन गई। इस तरह से हम संघर्ष करते करते आगे आए, मगर हमारी पार्टी में कहीं विखवाद नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ, विभाजन नहीं हुआ। यही बताता है कि पार्टी के अंदर सबको अपने मत रखने का अधिकार तो है, मगर अपने संविधान के हिसाब से पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से एकजुट होकर चलती है। तो सबसे पहली बात, सभी पार्टियों में से हम एक अलग पड़े हैं, हम अलग प्रकार की पार्टी है, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी बात, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र के बाद पार्टी की सिद्धांत। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही सिद्धांतों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, कुर्सियां कब्जे करने के लिए नहीं हुई, सिद्धांतों के कारण। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। देश आजाद हुआ था जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, संयुक्त सरकार बनी, सर्वदलीय सरकार बनी, वो सरकार अपना काम कर रही थी। पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से एकजुट होकर चलती है। तो सबसे पहली बात, सभी पार्टियों में से हम एक अलग पड़े हैं, हम अलग प्रकार की पार्टी है, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी बात, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र के बाद पार्टी की सिद्धांत। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही सिद्धांतों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, कुर्सियां कब्जे करने के लिए नहीं हुई, सिद्धांतों के कारण। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। देश आजाद हुआ था जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, संयुक्त सरकार बनी, सर्वदलीय सरकार बनी, वो सरकार अपना काम कर रही थी। देश को आजादी दिलाने का पूरा यश कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो गया था। जवाहरलाल जी की लोकप्रियता मध्याह्न पर थी। उस समय एक के बाद एक के बाद एक नई चुनी हुई सरकार ने नीतियां बनानी शुरू, देश की विदेश नीति बनना शुरू हुई, देश की रक्षा नीति बनना शुरू हुई, देश की अर्थनीति, देश की शिक्षा नीति, देश की कृषि नीति, ये सारी चीजों की बनाने की शुरुआत जवाहरलाल जी के नेतृत्व में हुई। उस वक्त कुछ लोगों को लगा ये सारी नीतियां जो बन रही हैं, वो नीतियों का मूल जाकर देखे तो पश्चिम के देशों से आता है, और अगर इसी रास्ते पर ये देश आगे चला तो आगे बढ़कर बहुत गलत रास्ते पर हम चले जाएंगे और देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मित्रों, एक दो राह आता है, दाहिनी ओर चले जाइए और बाईं ओर चले जाइए। दाहिनी ओर 50 किलोमीटर दूर आपका लक्ष्य है, एक 3 फुट का ही गलत फैसला कर दिया आपने, बाईं ओर चले गए और 50 किलोमीटर दूर हो गए, तो लक्ष्य से आप 100 किलोमीटर दूर हो जाते हो। उसी दो राहे पर देश उस वक्त खड़ा था। एक दुविधा थी कि देश किस तरह से चलना थे। कांग्रेस पार्टी में भी उस वक्त बहुत बुरे लोग नहीं थे, भ्रष्टाचार का तो नामो निशान नहीं था, आजादी नई नई मिली थी, सार्वजनिक जीवन की सुचिताओं को सबने बनाकर रखा था, गांधी जी का एक प्रकार का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ा हुआ था। तो कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के बनाने वाले कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा अंतर नहीं था, वहां पर भी देशभक्त थे। अंतर क्या था? कांग्रेस पार्टी को लगता था जवाहरलाल जी के नेतृत्व में कि देश का नवनिर्माण होना चाहिए, हमारी जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, हमारी पुराने जो संस्कृति थी, हमारी पुरानी जो कार्य पद्धति, वो पूरी कालबाह्य हो गई, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और एक नई कार्य संस्कृति, नई संस्कृति और नया नीतियों की जरूरत है देश को। वो देश को नए सिरे से बनाना चाहते थे। जब जनसंघ बनाने वाले कुछ कार्यकर्ता थे, उनको लगता था कि हमारा जो पुराना था वो श्रेष्ठ था, इसी के आधार पर हम सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे। एक कालखंड आ गया जिसके कारण, राजनीतिक कारणों के कारण गुलामी आ गई। पुराना खराब नहीं है,
उसी को आधार बनाना चाहिए, आज के समय में कुल परिवर्तन कर उसी के आधार पर अपनी नीतियां बननी चाहिए। जनसंघ जिन्होंने बनाया वो देश का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, कांग्रेस नवनिर्माण करना चाहती थी, भारतीय जनसंघ के लोग पुनर्निर्माण करना चाहते थे। ये दो शब्दों के बीच में दोनों पार्टियों के सिद्धांत पड़े हैं मित्रों, और इसी के कारण भारतीय जनसंघ की स्थापना। उस वक्त किसी को कल्पना नहीं थी कि एक म्युनिसिपैलिटी में भी हमारी सत्ता आ जाएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ जैसा छोटा छोटी सी म्युनिसिपैलिटी में भी सत्ता आएगी, इसका दूर दूर तक किसी को स्वप्न नहीं था। मगर वो मनीषियों ने तय निश्चय किया कि एक नई पार्टी हम बनाएंगे, भारतीय जनसंघ के नाम से पार्टी बनाई। सबने पूछा पार्टी क्यों बना रहे, तो उन्होंने कहा कि हम वैकल्पिक सोच देश के सामने रखना चाहते हैं, ये सोच ठीक नहीं है, नीतियां ठीक नहीं है, वैकल्पिक नीतियां रखना चाहते हैं, कल को देश में परिवर्तन आएगा, इस वैकल्पिक नीतियों के आधार पर देश आगे बढ़ेगा, हम देश को सही रास्ते पे ले जाएंगे, ऐसे आशय से भारतीय जनसंघ की स्थापना होगी। और भारतीय जनसंघ की स्थापना ही सिद्धांतों के कारण, और ये सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई। उस वक्त किसी के मन में सत्ता का कल्पना भी नहीं था, सिर्फ इतनी कल्पना थी कि नेहरू जी की जो सोच है ये पाश्चात्य असर से प्रभावित है, वो इस देश का कल्याण नहीं कर सकती है, देश की नीतियां इस देश की मिट्टी की सुगंध वाली होनी चाहिए, इस देश की माटी की सुगंध। तो बीजेपी के कौमी मुखी अमित शाह पहुंचे हुए ने चंडीगढ़ की फेरी उत्ते, इस विचाले संबोधित चंडीगढ़ के बीजेपी के वर्करों को कर रहे हैं। इस तो पहला तुम्हें दस दी कि एयरपोर्ट पहुंचे, उतों काफिले के जरिए हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के बीजेपी के पहुंचे, उतने नवे कमलम दफ्तर का उद्घाटन भी किया, तो नाल ही मीडिया के मुखातिब भी हुए। तो इस समय वो चंडीगढ़ के आगुआ वर्करों के मुलाकात संबोधन इस स्टेज उत्ते अमित शाह कर रहे हैं।